गाइस, मेरा नाम है परमसर चिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरदादा व्लॉगर। और अभी हम जाते हैं जी, खेत चलते हैं, आपको खेत का विजिट कराते हैं। फैजी बाइक लेके आ रहा है, ये मोहम्मद आ गया, ये फैजी बाइक लेके आ रहा है। अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारे जो हमने फसलें काश्त की हुई है। चले आ यार, चले। और अभी हम जा रहे हैं जी रास्ते, और यहाँ से फसलें शुरू होने लग जाती हैं जी माशाल्लाह। ये पर हमारी नहीं है। अभी हम आ गए हैं जी अपने खेतों में, ये हमारी फसल है सारी टोटल, ये वाली। और यहाँ से हमारी फसलें शुरू हो जाती हैं जी माशाल्लाह। ये हमारी लगी हुई है सारी फसल, ये हमारी है। वो ज्वार लगी, वो अभी छोटी है थोड़ी सी, यहाँ पे भी लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये टोटल मुंजी है, ये अभी हमने काश्त की है, ये हमने पहली दफ़ा काश्त की है। पहले हम करते थे फिर छोड़ दी थी, इस दफ़ा हमने पहले फिर काश्त कर ली। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी। बकाया मुझे इनकी डिटेल नहीं पता, वो इंशाल्लाह मैं एक दिन लाऊंगा अपने काम करने वालों को साथ, फिर आपको मुंजी की टोटल डिटेल बताऊंगा और इसकी नरमे की जो भी क्या सीन है, क्या इस पे खर्चा आता है और क्या बचत आती है, वो सब बताएंगे आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। ये आप देख सकते हैं, और जो आप उधर चावल बना के शहर वाले खाते हैं जी, वो ऐसे होते हैं पहले, हम गांव वाले इसको काश्त करते हैं पहले। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जी सारी, ये टोटल सब ऐसी है। ये किला हमने इधर काश्त किया, 3 3 साढ़े 3 किले उधर काश्त किए हैं, और बकाया ये नरमे हमारा, ये आप देख सकते हैं। ये जी पहले ऐसा होता है, फिर ये बन जाता है, और फिर एंड पे ये बन जाता है। फिलहाल बारिशें बहुत आई थी, नरमा इसलिए सही नहीं रहा। अब मैं आपको साथ, और अभी हम आपको बकाया अपनी फसलें दिखाते हैं जो जो हम काश्त कर रहे हैं। ये एक हमारा नरमा है जी, सुबह सुबह का टाइम है, रेल भी साथ बहुत है, कपड़े भी खराब हो रहे हैं। ये हमने पानी शानी लगाया हुआ है इसको, मेरे साथ मोहम्मद भी है, पीछे फैजी भी आ रहा है। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं जो जो साफ 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 सिस्टम बताते हैं आपको। बहुत रेल भी आ गया, ये आप देख सकते हैं। ये कमांड भी हमारा है जी, ये उधर से शुरू होता है, वो उधर से, ये टोटल हमारी लाइन जा रही है 2 किलो की। अभी आप खा के दिखा, ये जी खाले होते हैं, ये जो हम पानी पीते हैं वो जैसे हम गिलास में डाल के पीते हैं, वैसे ये इनके लिए एक गिलास है, इसमें पानी आता है, वो नहर से छोड़ते हैं, फिर इधर इधर सुराख करते हैं, पानी फसलों को चला जाता है, ऐसे हम पानी लगाते हैं, इनको पानी पिलाते हैं। ये साथ साथ आपको डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, जो भी सीन है साथ में लेके आऊँगा बंदे को अपने। ये नरमा है हमारा, ये एक माँ है। अभी हम जा रहे हैं आगे, मैंने कमान दिखाते हैं, चूकते हैं फिर। ये पीछे आ रहे हैं मेरे,
चाबी भाई तेरे पास है मोटरसाइकिल की? चल ठीक है आ जा, अभी हम जा रहे हैं जी। ये हमारी टालियां लगी हुई है और ये लसुड़े का दरख्त है जी, जिससे हम चार बनाते हैं। ये भी हमने घर के लगाया हुआ अपना। अभी ये पानी लगाया और ये सारा दादा तक गिर गया। अभी हम इधर से गन्ने तोड़ते हैं जी, दिखाते हैं क्या सीन है। फिर ये फैज भी मेरे साथ है। चल तोड़ो, आपने खाना? हाँ जी मोहम्मद आपने? चलो गन्ने तोड़ते हैं जी। एक ये तोड़ लिया हमने, पीछे हो जाओ। अभी एक और तोड़ते हैं। हाँ ढूंढ लो कोई। तो हम छीलते हैं जी ऊपर से। ये लो ये आपको दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा टेस्ट है। क्या व्लॉग हम खा पी के फिर करते हैं जी स्टार्ट।
हैं, वापस चलते हैं जो दूसरे वाले खेत में। ये हमने गन्ने शन्ने तोड़ लिए, चूपते हैं जी, साथ साथ चलते हैं उधर जाके बकाया डिटेल बताते हैं। बकाया तो चलते हैं जी, आपको बताते हैं। और भी हम चलते हैं दूसरे खेत में गन्ना फैदी को पकड़ाते हैं। क्या भी दे बकाया गन्ना शन उधर जी। चल बैठो यार, चले। ये आदि मारे दही सही है, कुछ ये हैं। अब चलते हैं, आपको आगे वाले दिखाते हैं। तो साथ एक बैग है चोर भाई का। ये दाई भी हमारे यहाँ, पीछे हमारे आड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये राइस चावल। और ये वाले बिदाई हमारे हैं जी, और ये सात नहर आ गई, मलक नहर। ये हमारी टालियाँ शालियाँ हैं जी, वो भी हमारी हैं, ये भी हमारी हैं, ये टोटल हमारी हैं। ये फैदी भी खड़ा, ये टोल है। माशाल्लाह। और अभी वापस चलते हैं। मैं चुप के वापस चलते हैं जी, गाना शाना फिनिश करके फिर चलते हैं वापस। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआओं में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी खेत के विजिट की, और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है अपनी राय, फिर इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा अपने मुलाजमों को लेके आऊँगा साथ, फिर आपको पूरे फसलों का विजिट कराऊँगा और बताऊँगा इसमें क्या प्रॉफिट होता है, हमारा क्या खर्चा होता है, सारी डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह।